हिंदू धर्म में सावन में हरियाली तीज के दिन दान करने का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं के लिए पर्व बेहद शुभ माना गया है। ये त्योहार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बड़े ही उत्सव से मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती के लिए व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कठिन व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम भी बढ़ता है। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त दिन मंगलवार को रात 7:52 पर शुरू हो रही है और 7 अगस्त दिन बुधवार को रात 10 बजे तक समाप्त होगी। इसके साथ ही हरियाली तीज की सुबह की पूजा का समय 6 बजे से 9 बजे तक है, तो वहीं शाम की पूजा 4:30 से 6 बजे तक के बीच होगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन क्या दान करें और क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज के दिन व्रत की पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को किसी व्यक्ति को चावल दान करना चाहिए। इससे घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। साथ ही आप गेहूं का दान भी कर सकते हैं। गेहूं का दान इस दिन करने से स्वर्ण दान के समान माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं किसी ब्राह्मण या पुजारी को वस्त्र दान, श्रृंगार सामग्री दान या फिर फलों का दान भी कर सकती हैं। 5 तरह के फलों को उड़द या चने की दाल के साथ गरीब और जरूरतमंद को दान करना भी शुभ फलदायी है। हरियाली तीज के दिन वस्त्रों का दान, सुहाग की चीजों का दान, चावल दान, दीप दान, खीरे का दान शुभ मानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।